जीजू अब आपका क्या होगा? अरे जो सबका होगा वही हमारा होगा। जीजू आप तो डूब गए। अरे डोडी डूबे नहीं है, जम गए हैं, जम गए। हाँ, जम तो गए लेकिन जीजू आप तो बर्बाद हो गए। अगर मुंबई का तापमान नहीं घटा तो आपके 10 लाख के एसी और फ्रिज कौन खरीदेगा? ये उन बदमाश अमर प्रेम की वजह से हुआ है, हम ना उन दोनों की ठोकर देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि हंसी ज्यादा आ रही है या ठंडी ज्यादा लग रही है। हाँ यार, अच्छा हुआ चतुर्वेदी अंकल ने हमें खुद ही पार्टनरशिप से निकाल दिया, नहीं तो इतनी ठंड में एसी और फ्रिज कौन खरीदता। अब सारा लॉस चतुर्वेदी अंकल को खुद ही झेलना पड़ेगा, है ना? चतुर्वेदी की हो गई तो यारो हट हट पीछे, तू क्या कर रहा है खिड़की के सामने? तेरे को खिड़की के सामने खड़ा नहीं होना है। हाँ, कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। चल चल अंदर, चल अंदर, चल। क्या पेट्रा लगाया है तुमने? पेट्रा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मुंबई का करंट टेम्परेचर 5 degrees। अब धीरे धीरे ये टेम्परेचर इतना गिरेगा कि मुंबई वासियों का खून तक जम जाएगा, जिससे हमें 2 फायदे होंगे। एक, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम पर पैसों की बौछार होगी। दो, ह्यूमन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए फिनिश। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लान। पता नहीं कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी और कब मैं अपने आप को चार्ज करूंगा। इतनी ठंड में सब कुछ ठंडा हो गया है, ये आग कहां लग गई? ये धुआं कहां से आ रहा है? यारों को चेक करना होगा। Oh my God! यही आग लगी है, वो रही आग। इस आग पे काबू पाने के लिए यारों को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होगी। एक्टिवेट CO2। Oh my God, CO2 तो खत्म हो गई, कुछ और फॉर्मूला ढूंढना होगा। फ्रीजिंग सिस्टम एक्टिवेट करता हूं। एक्टिवेट फ्रीजिंग सिस्टम। धुएं के पीछे बैठ के छुपन छुपाई खेल रही हो। यारो आपके पास आया और कह दिया धप्पी। शादी कूल। शादी कूल, आप ऐसी कूल, ऐसी कूल, ऐसी कूल हुई कि आईसी कूल हो गई। अब आपकी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना होगा और वार्म अप करने के लिए यारों को हीट मोड ऑन करना होगा। हीट मोड एक्टिवेट। बैटरी भी रिचार्ज नहीं हो सकती, खराब मौसम के कारण पूरे शहर की बिजली गुल है। द
दादी कूल, यारो की बैटरी बहुत कम है, अभी वो अपना हीट मोड ऑन नहीं कर पाएगा, कुछ और आइडिया सोचना होगा। हाँ दादी कूल, अगर यारो आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो क्या हुआ, आप खुद तो अपनी हेल्प कर सकती हैं ना। आप अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे आपकी आइसी फ्रीज बॉडी ठीक हो जाएगी। ये क्या हो गया दादी कूल? आइस। ये क्या हो गया, इतना ज्यादा फ्रीज हो गया? अगर अमर, प्रेम और टॉली देखेंगे तो वो कहेंगे कि अग्रवाल जी ने एक तो बनाया था रोबो, यारो एक और बना दिया। ओह माय डैड, ये क्या हो गया? अब क्या करें, एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला काम नहीं किया, कुछ और सोचना होगा। दादी कूल, आप चिंता मत करना, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आप एकदम फ्री से डी फ्रीज हो जाएंगी। चलिए अच्छे बच्चों की तरह खड़े होइए, नीचे देखिए कितना खौलता हुआ पानी है, अब इसमें आप अपना सिर डालिए, गर्दन झुकाइए, वेरी गुड, और नीचे फ्रोजन वुमेन से एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। बाप रे, इतनी ठंड तो, इतनी तो, और नीचे, शाबाश शाबाश। यारो, 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 तुम क्या कर रहे थे? अरे मेरी माँ को गर्म पानी में उबाल रहे हो, तुम पागल हो क्या? अरे यारो क्या कर रहा है, मत कर, बना बना के मम्मी जी का सूप बना रहा है क्या? नहीं मम्मी, सूप नहीं बना रहा, बस दादी कूल को थोड़ी सी स्टीम दे रहा था, यारो की गलती की वजह से वो फ्रीज हो गई, तो बस यारो उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर रहा था। फिर ठीक है, मुझे तो ऐसा लगा कि तू उबाल उबाल के मम्मी जी को गर्म पानी में उबाल रहा है। अरे मेरी माँ कोई अंडा थोड़ी है जो पानी में डालकर बॉयल कर रहे हो उनको। सॉरी पापा, गलती हो गई, स्टोव पे जाके बैठा के आता हूँ। एक मिनट, अरे भुट्टा भी नहीं है जो गैस पे बिठा के उनको भूनोगे तुम। सॉरी पापा, गलती हो गई। वैसे डोंट माइंड अग्रवाल साहब, आपकी मम्मी भुट्टा तो नहीं है लेकिन फिलहाल बर्फ का गुड्डा तो जरूर लग रही है, स्नो डॉल। बिठाओ इनको, बिठाओ बिठाओ, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाप देने का ये कोई तरीका थोड़ी है बेटा। देखा देखा, स्टीम से फर्क पड़ा, अब बोलने लग गई, थोड़ी देर और अंदर रहती तो एकदम से दौड़ने लगती। गिनाज, आप एक काम कीजिए, आप अंदर लेके जाइए मम्मी जी को और इनके पैरों को गर्म पानी में डालकर जरा मालिश कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करती हूँ। मम्मी जी आइए ना, आपके पाँव की सिकाई कर देती हूँ, फिर आप एकदम ठीक हो जाएंगी, आइए आइए। यारो बेटा, तुम ये क्या करने जा रहे थे, अगर हमको आने में जरा सी देर हो जाती तो आज या तो मेरी माँ जल जाती या उबल जाती। पहले के टेंशन कम है, पूरा शहर जो है वो फ्रीज हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है और तुम ऊपर से ये कर रहे हो। पापा आप टेम्परेचर के माइनस फैक्टर को देख रहे हैं, उसके प्लस फैक्टर को देखिए कि शहर में बर्फ गिर रही है, कितनी अच्छी बात है। यार उन्होंने भी नैतिक और पोपो को देखा था, वो दोनों बर्फ में खेल रहे थे पापा, कितना मजा आ रहा था उन्हें, यारो भी जाएगा खेलने। नहीं 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 बेटा, तुम बर्फ में बिल्कुल नहीं खेलोगे, अगर बर्फ जरा भी अंदर चली गई तो पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नो वे। ये बिल्कुल सही वक्त है गवर्नमेंट के साथ डील करने का। पेट्रा, तुमने मुंबई के मेयर से बात की, उसे बताया हमारे 500 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे? मिस्टर एक्स, वो मैंने बात तो की, बट पेट्रा,
मैं चाहता हूँ सरकार मेरे कदमों में गिरकर अपने लोगों की जान की भीख मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, तो उन्हें बताओ पेट्रा, समझाओ, उनके दिमाग में घुसाओ, अगर वो मुंबई को सेफगार्ड करना चाहते हैं तो मेरी डिमांड पूरी करे। मिस्टर एक्स, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं है कि ये काम आपका है। लगता है उन्हें एक सैंपल दिखाना ही होगा। ओह, तो लगता है उन्हें ऐसा सैंपल दिखाना पड़ेगा जिससे उनकी रूह कांप जाएगी और सब कहेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए और मुझे मौका। मुंबई, इट्स शो टाइम। चिल्ला, तेज तेज चिल्ला, ले लो ले लो ले लो ले लो। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। अब सर्दी में गर्मी का माल, सस्ता सस्ता सस्ता, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चिल्लाना, हंस कह रहा है। 50% डिस्काउंट पे एसी और फ्रिज मिल रहे हैं, और साथ में एक फ्रिज, स्वेटर और जैकेट भी फ्री। ये तुम्हारी वजह से ना हमारा सब ठो हुआ है। ये 10 लाख का माल ना हमको 5 लाख में बेचना पड़ रहा है। और बेटा, अगर ये फ्रिज और एसी हमारा नहीं बिका ना, तो तुम लोगों के कपड़े के साथ साथ कच्चा बनियान उतार के ना चोर बाजार में बेचूंगा। लाना था तुम पर। हाँ, बेच देना अमर भाई। बुलाना बुलाना यार अमर। अरे ले लो भैया, ले लो। अरे जल्दी आओ, ले लो एसी और फ्रिज कच्चे बनियान के दाम में। ले लो ले लो। अरे यार अमर, ये तो लोग आना शुरू हो गए हैं यार। हाँ, यार तो सारे एसी और फ्रिज बिकी जाएंगे। अब बहुत अच्छा है। चतुर्वेदी जी, देख रहे हैं लोग आ गए। सुनिए, अगर सब बिक गया और प्रॉफिट मिल गया तो हमें भी थोड़ा सा दे दीजिए ना। प्लीज प्लीज प्लीज। ए लंगूरों, अमर, अरे अपने मुंह में ढक्कन लगा। ए लंगूर, तुमको हिस्सा नहीं, लाफा मारूंगा लाफा। हट, चिल्ला जल्दी, चिल्ला चिल्ला चिल्ला। कड़कती ठंड में गर्मा गर्म ऑफर लीजिए लीजिए, सिर्फ यहाँ सिर्फ यहाँ। ये एसी और फ्रिज इतना सस्ता, किसकी दुकान है? मेरी है, सिर्फ मेरी है। सुना दोस्तों, इस कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ पर ये एसी और फ्रिज बेचने का महान आइडिया इनका है। तो हम इस महान आइडिया के लिए इनकी आरती तो उतारेंगे ना। मारो। ए रुक भैया, देखिए हम तो बस गरीब नौकर हैं, ये पूरी दुकान तो इनकी है। हाँ, पैसे भी इनके, माल भी इनका, हमें तो बेबस बना के मजबूर करके बिकवा रहे हैं ये सब। मैं तो कहता हूँ मारो 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 मारो, छोड़ो नहीं, मारो इनको, मारो। बचाओ 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 भैया, बचाओ, ये चतुर्वेदी है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बहुत मारा भाई, अरे मार रहे भाई, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। मुंबई के चप्पे चप्पे को बर्फ से जमा दूंगा मैं। इंसान तो इंसान, कोई जानवर भी नहीं बचेगा इस शहर में। इस समंदर को भी बर्फ का रेगिस्तान बना दूंगा। मछलियां तक बोल उठेंगी। ओह, व्हाट द फिश। I'm so funny. -5 degrees में ये हाल है तो
-20 डिग्रीज में क्या होगा रे तेरा मुंबई? इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जिस शहर में ठंड तक नहीं पड़ती वहां बर्फ का आतंक होगा। बर्फ का आतंक। अचानक से जिस तरीके से मुंबई में ठंड पड़ी है उसकी वजह से हम भी उतने ही परेशान हैं जितने कि आप सभी। आपको बता दें कि मुंबई का तापमान अचानक से -20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। जिस तरीके से खबर आ रही है उसके मुताबिक मुंबई के किनारे का समुन्द्र भी अब जमने लगा है। कई मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबके मन में यही सवाल बना हुआ है कि आखिर ये तबाही कब रुकेगी। एक्स ने तो कमाल कर दिया। समंदर लहरों की चादर ओढ़े सो रहा है। अब देखता हूँ ये गवर्नमेंट मेरे सामने घुटने कैसे नहीं टेकती। जब तक मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक ये तबाही, ये खौफ, ये बर्बादी, ये आतंक जारी रहेगा। अरे पीना जी, जल्दी गर्मा गर्म चाय पिलाइए वरना बॉडी का एक एक सेल जम जाएगा आज। यारो, बेटा तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना? ठंड? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है पापा। यारो को ऐसा लग रहा है कि उसकी कुल्फी जम जाएगी। अग्रवाल साहब, आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। तो कर करके इस पे क्यों नहीं रिसर्च करते? क्यों हो गया अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अरे बीना जी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरे आप तो मनाली जाने वाली थी ना, यहाँ पर बर्फबारी होगी तो आप मनाली के मजा यहीं पे लीजिए। अब नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ये तो मनाली से भी ज्यादा ठंड है। वो तो है, इतनी ठंड तो नहीं होती। अच्छा सुनिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। ये लीजिए। अरे कमाल है, पानी भी जम गया। पानी भी जम गया तो मतलब आदमी जिंदा कैसे रहेगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.